Hey guys, welcome to HSTechZone. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro के न्यू अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं एक वीडियो पहले भी लेकर आ चुका हूँ, उसका लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर आई बटन में। तो उसमें मैंने बताया कि Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 10.0.6.0 का अपडेट आ चुका है, लेकिन जब ये हम अपडेट कर रहे हैं मैनुअल तौर पर, दोस्तों मेरे पास लिंक आ चुकी है, लेकिन जब हम इसे फ्लैश कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कैंट वेरीफाई वगैरह बता रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा अपने मोबाइल में करके क्या परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर अंत जरूर देखनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब पास वाले बेल का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। साथ दोस्तों आपने आज की इस वीडियो ज़्यादा लाइक करना और शेयर अवश्य करना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस अपडेट के बारे में। दोस्तों Redmi Note 5 Pro के लिए अभी दोपहर के टाइम, आज 6 तारीख है, दोपहर के टाइम आ गया था यहाँ पर एक अपडेट जिसका नाम है यहाँ पर MIUI 10.0.6.0। तो ये दोस्तों एक स्टेबल अपडेट था, लेकिन ये इस अपडेट का साइज था जो वो था 167 MB का। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने मोबाइल में चलता हूँ और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये फ्लैश क्यों नहीं हो रहा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल में, मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैंने फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है। तो अगर फाइल की बात करूँ तो दोस्तों मैंने सबसे लास्ट में रखी हुई है, ये आप देख रहे होंगे 174 MB की जो फाइल दिखा रहा है, ये वही वाली फाइल है जो यहाँ पर डाउनलोड करनी पड़ती है। ये जो फाइल है MIUI 10.0.4.0 वाले के यूजर्स के लिए, तो वो डायरेक्ट MIUI 10.0.6.0 पर चले जाएंगे। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद चलता हूँ मैं अबाउट फोन में। अबाउट फोन में जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम अपडेट में, तो सिस्टम अपडेट में जाकर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन अब हमारे पास एक प्रोसेस होता है मैनुअल फ्लैशिंग का, तो मैं इसे फ्लैश कर सकता हूँ। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ। तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में मैंने वो फाइल रखी हुई है, तो मैं यहाँ पर डाउन जाता हूँ और यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कैंट वेरीफाई अपडेट, रोम इज इन बीटा टेस्टिंग, मेक श्योर यू हैव साइन इन विद बीटा ऑथराइज्ड Xiaomi अकाउंट। दोस्तों अब यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि ये जो अपडेट है ये अब बीटा टेस्टिंग में चली गई है। जाने दोस्तों ये जो केवल अपडेट है ये केवल कुछ यूजर के लिए यहाँ पर आई थी, जाने की 3 से 4% लोगों को ये अपडेट मिली थी, तो उन्होंने ये डाउनलोड कर लिया, फ्लैश कर लिया, लेकिन उसके बाद में अब ये यूजर जो अपडेट करना चाहती हैं तो ये अपडेट नहीं होगी। दोस्तों मैं बता दूँ यहाँ पर Xiaomi वालों ने इस पर ब्लॉक लगा दिया अभी ये वाली रोम पर, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा 3 से 4 दिन का। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जो MIUI 10.0.4.0 का अपडेट था, तो वो भी यहाँ पर पहले ऐसे आया था और वो बाद में अपडेट नहीं हो रहा था, क्योंकि दोस्तों Xiaomi वालों ने वहाँ पर उसे ब्लॉक कर देता, लेकिन 3-4 दिन के बाद में वो अपडेट ऑटोमेटिक आ गया था और फिर आप फ्लैश कर सकते थे। दोस्तों इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से 4 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, तभी आपके पास पूरे के पूरे जो अपडेट आ जाएगी साथ ही फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जब भी ये अपडेट सभी के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें बताऊँगा कि आप सभी के लिए ये अपडेट आना स्टार्ट हो चुका, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में तो ये थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको अपडेट करना पड़ेगा 3 से 4 दिन का, तो उसके बाद आपको अपडेट मिल जाएगी। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।